अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पनीर रोल की रेसिपी शेयर करूंगी। सिंपल रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। इसे मैंने लच्छे पराठे के साथ बनाया है। तो चलिए आज की मज़ेदार पनीर रोल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पनीर रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। 1 कप आटा लेंगे और 1 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। अगर आप मैदा नहीं लेना चाहते तो आटे से भी डो बना सकते हैं। और आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे। देखिए आटा अच्छे से गूंथ गया है। इसे हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। इतना हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा, इसमें सब्जी ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्ची है, 1 बड़ा प्याज है, 2 कलर की शिमला मिर्च है और पनीर है। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हरी मिर्ची और लहसुन डाल देंगे। इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को भी हम 10 से 15 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज भी फ्राई हो गई है, इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अगर आपके पास रेड कलर की शिमला मिर्च नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, 1 कलर की भी ले सकते हैं। इन्हें भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो गई है, इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच टमाटो सॉस। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इन्हें अच्छे से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। देखिए पक गई है। इसमें ऐड करेंगे पनीर और पनीर डालने के बाद धीमी आंच पे 1 मिनट तक पकाएंगे, जिससे पनीर के अंदर सब चीज़ों का फ्लेवर चला जाएगा और पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, जूसी हो जाएगा। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मैंने पनीर को भी ऐसी शेप में काटा है जैसे मैंने शिमला मिर्च काटी थी, आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं। देखिए 1 मिनट हो गई है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतना हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है, हम पराठे बना लेते हैं। देखिए आटे को भी रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गई है। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और एक पेड़ा लेंगे, जितना हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्योंकि हमें लच्छा पराठा बनाना है। इसकी हम लोई बना लेंगे। ये मैंने पेड़ा बना लिया है। सूखे आटे में डस्ट करेंगे और थोड़ा सा हाथ से दबाएंगे, इसे रोल कर लेंगे। आप किसी भी शेप में रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे दूसरी शेप देनी है। देखिए रोल हो गया है, इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। आप घी भी लगा सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। देखिए ऑयल मैंने लगा दिया है, इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा आगे ले जाएंगे और फिर थोड़ा सा पीछे लाएंगे। ऐसे करते हैं जैसे हम पेपर के फैन बनाते थे ना बचपन में, उसी तरीके से बनाएंगे। और इसे हाथ से दबा देंगे, इसके अंदर जो भी हवा होगी ना वो निकल जाएगी। और इसे ऐसे रोल कर लेंगे। इसका एंड वाला पार्ट ना हम नीचे प्रेस कर देंगे। इसे आटे में डस्ट करेंगे, हल्के हाथ से दबाते हुए इसे रोल कर लेंगे। हल्के हाथों से रोल करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी पनीर रोल तैयार होता है। आप एक बार जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को पसंद आएगा। देखिए बन गया है, इसे मैं साइड में रखती हूँ और एक और बना लेती हूँ। आपको जितने भी पराठे बनाने हैं ना, आप उन्हें पहले रोल करके रख लें और फिर एक साथ सेक लें तो उससे आसान हो जाता है। देखिए मैंने 2 पराठे तैयार किए हैं, बाकी के मैं बाद में बनाऊंगी। मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा हमारा गर्म है। चलिए पराठा डाल देते हैं और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो हम साइड टर्न कर देंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, साइड चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, अच्छे से चारों तरफ ऑयल लगाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम सभी पराठे तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देते हैं।
इधर भी हम ऑयल को अच्छे से लगाएंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, दबाते हुए सेकेंगे जिससे इसकी अंदर तक की लेयर अच्छे से सिक जाएगी। और जैसे ये सिक जाएगा ना, इसकी लेयर अलग अलग हो जाएगी। देखिए मैं दिखा देती हूँ, देखिए सिक गया है, निकाल लेते हैं और दूसरा पराठा भी हम ऐसे सेक लेंगे। जैसे थोड़ा ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा, साइड टर्न करेंगे, ऊपर से ऑयल लगाएंगे। देखिए इधर अच्छे से ऑयल लग गया है, साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी हम ऑयल लगा देंगे। आप ऑयल की जगह घी भी लगा सकते हैं और दोनों तरफ से दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे, जिससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। देखिए अच्छे से सिक गया है, निकाल लेते हैं। पराठे हमारे तैयार हैं, स्टफिंग भी तैयार है, तो चलिए इसे असेंबल कर लेते हैं। इसके ऊपर हम एक बड़ा चम्मच मेयोनीज लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे और एक चम्मच टमाटो सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप खाली टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। ये भी अच्छे से स्प्रेड हो गई है। इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे जो हमने तैयार की थी। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद है आप उसके हिसाब से रख लें। इसके ऊपर सैलेड रखेंगे। मैंने प्याज को बारीक कट करके उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाला है, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है। इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। आप सैलेड अपने पसंद से रख सकते हैं और इसे फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर टूथपिक लगाएंगे। आप इसे बटर पेपर में भी कवर कर सकते हैं। टूथपिक लगाने से ना ये खुलेगी नहीं। हम दूसरा रोल भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम मेयोनीज रखेंगे, ऊपर से टमाटो सॉस लगाएंगे, स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सैलेड रखेंगे, सैलेड में आपको जो भी पसंद है वो रख सकते हैं, जैसे गाजर, खीरा, प्याज, जो भी पसंद हो आप अपनी पसंद से रख लीजिएगा। चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और फोल्ड कर देंगे। आप इसे बटर पेपर में भी फोल्ड कर सकते हैं, एकदम मार्केट स्टाइल लगेगा। लीजिए हमारा पनीर रोल तैयार है। आप इसे सिंपल पराठे में भी तैयार कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी पनीर रोल तैयार होता है, बहुत मज़े का बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये पनीर रोल की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।